गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है या जो माल भाड़ा है वो कब कब एग्जेम्प्ट रहता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी माल भाड़े से रिलेटेड एग्जेम्प्शन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है नोटिफिकेशन 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को इशू किया गया था जब जीएसटी लागू होना था। इसके अंदर जो चीजें बताई गई है ये नोटिफिकेशन बेसिकली बात करता है किस चीज की। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है जीएसटी का वो बात करता है एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन की। सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 जो है वो नोटिफिकेशन ला करके गवर्नमेंट को पावर देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जरूरी है तो आप किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को, गुड्स को नोटिफाई कर सकते हैं, होली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं या फिर पार्शली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं, यहाँ पर आपको देखना होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज है। मैं आपको बेसिक एंट्रीज बता रहा हूँ जो कि मैक्सिमम लोगों को जरूरत होती है और मैक्सिमम लोगों का सवाल भी रहता है कि इस पर्पस के लिए जो जीटीए है या ट्रांसपोर्टेशन है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक स्पेसिफिक सर्विस, सपोज कोई एक ए सर्विस है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो वो दोनों ही कैटेगरी के लिए, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज में रिसीव कर रहे हैं या फिर आप रिवर्स चार्ज में रिसीव कर रहे हैं, कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सर्विस अगर फॉरवर्ड चार्ज के लिए एग्जेम्प्ट है तो उस पर रिवर्स चार्ज जो है देना होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है तो वो दोनों कैटेगरी, चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो, दोनों के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप सर्विस देते हैं और सर्विस देने का तरीका है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम आप करते हैं बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर रोड के जरिए हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। अब देखिए यहां पर एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और अ कुरियर एजेंसी। यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन आप जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, यानी कि आप जीटीए नहीं है, जीटीए का क्या मतलब है अभी आपको बता देते हैं, या फिर आप कुरियर एजेंसी नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम तो है लेकिन आप जीटीए और कुरियर एजेंसी नहीं है, यानी कि आप ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं कि अपने पास एक व्हीकल है, आप उससे उचंती जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, तो वो जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है। अब इसको इस तरीके से समझिए, आपने रास्ते से कोई ठेला गाड़ी जो है वो हायर कर लिया और उससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम ले लिया, तो वो अगर एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका जो छोटा सा आदमी ठेले गाड़ी वाला है उसके ऊपर जीएसटी जो है लग जाएगा। इसीलिए वैसे लोगों को एग्जेम्प्ट करने के लिए ये एंट्री यहां पर दी गई है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है लेकिन वो जीटीए और कुरियर एजेंसी के अलावा है तो वो एग्जेम्प्ट है। और दूसरा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो हो रहा है लेकिन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होता है तो वो भी एग्जेम्प्ट किया गया। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया जा रहा है एयरक्राफ्ट से और वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ओरिजिन हो रहा है कहां से, इंडिया के बाहर से, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से, और वो एंड होता है कस्टम स्टेशन जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड किया गया है। उसके बाद जो एंट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझना बेहद जरूरी है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और अ वेसल और फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है रेल से या वेसल से इंडिया के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो कौन कौन से गुड्स के ऊपर एग्जेम्प्शन दी गई, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स कैलामिटीज एक्सीडेंट और मिसहैप। अगर कोई रिलीफ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है रेलवेज के द्वारा वो एग्जेम्प्ट है। डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिया जाता है वो एग्जेम्प्ट है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स की ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। रेलवेज इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स ये भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर रेलवेज ट्रांसपोर्ट करती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मिल्क, सॉल्ट,
फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स पल्सेस एंड राइस, अगर इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, रेलवेज, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर ऑर्गेनिक मैन्यूर जिसको हम लोग कहते हैं खाद जो कि पेड़ पौधे में डाला जाता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब उससे भी इंपॉर्टेंट एंट्री है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए कि अगर आप एक जीटीए हैं और आप जीटीए होते हुए भी अगर सर्विसेज दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का, तो भी एग्जेम्प्ट है इस कंडीशंस के साथ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड्स कैरेज, अगर आप गुड्स कैरेज के रूप में दे रहे हैं सर्विसेज, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन से कमोडिटीज का है, वो है अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो आपका एग्जम्पशन रहेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, आइदर फॉरवर्ड चार्ज या फिर रिवर्स चार्ज आपको नहीं देना है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1,500 रुपीज, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी एक ट्रक में, लेकिन जो कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स यानी कि फ्रेट का अमाउंट अगर सिंगल कैरेज के अंदर 1500 रुपए से ऊपर नहीं है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांजैक्शन है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर 1500 रुपए कम का भाड़ा है तो ना उस पर आपको रिवर्स चार्ज पे करना है, ना ही आपको उस पर फॉरवर्ड चार्ज पे करना है, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। 1500 रुपए जो है फ्रेट की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू नहीं है। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड रुपीज 750, अगर आपने एक ट्रक के अंदर जो आपका माल है उसके साथ मल्टीपल कंसाइनी का माल जा रहा है, लेकिन सिंगल कंसाइनी की जो वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि जो फ्रेट है वो अगर 750 रुपए तक है, तो आपको कोई भी जीएसटी का आरसीएम या रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज कुछ नहीं देना है, वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है। मिल्क शॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस, इन छह कैटेगरीज का ट्रांसपोर्टेशन अगर जीटीए भी कर रहा है और गुड्स का कैरेज और रोड के थ्रू हो रहा है, गुड्स कैरेज के थ्रू हो रहा है, तो भी एग्जेम्प्टेड है, इस पे कोई जीएसटी आपको नहीं लगेगा। अगर आप कोई आटा चक्की है या फिर आप राइस मिल है और आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रहे हैं, तो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो पे करेंगे, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे रिवर्स चार्ज डालने की भी जरूरत नहीं है, चाहे आपका जीटीए रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर आप प्रोक्योर करते हैं जिसके लिए आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया। न्यूज़पेपर्स हो या मैगजीन्स हो, वो भी एग्जेम्प्टेड है। रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स, रिलीफ मटेरियल्स अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो भी एग्जेम्प्टेड है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट किया गया। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने सर्विस ऑफ जीटीए तो एग्जेम्प्शन देख ली, लेकिन आपके पास ट्रक है, आप उस ट्रक को एज अ जीटीए यूज नहीं करते, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को उस ट्रक को दे देते हैं भाड़े पे, और वो जो पर्सन है वो उस ट्रक को एज अ जीटीए यूज कर रहा है, यानी कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरह उस ट्रक को यूज करता है। उसका क्या मतलब, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, आप हायर पे दे रहे हैं अपनी व्हीकल को, टू अ स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, ये तो स्टेट स्पेसिफिक हो गया, लेकिन जो क्लॉज बी है, टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप अपने ट्रक को एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट देते हैं एक ऐसे पर्सन को जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो जो आप उससे भाड़ा लेंगे, जो आप उससे हायर का चार्जेस लेंगे, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का क्या मतलब है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने ट्रक को एक ऐसे पर्सन को दिया है ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने के लिए जो जीटीए का काम करता है, और उसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू रोड, और वो कंसाइनमेंट नोट अपने नाम पे इशू करके देगा, तो आप उससे जो भाड़ा लेंगे अपने ट्रक का वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है और किसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है।
चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो हमारा माल भाड़ा होता है वो किस किस सिचुएशन में एग्जेम्प्ट होता है और किस सिचुएशन में टैक्सेबल रहता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।